खबर गोरखपुर सहजनवा से, न्याय चला जनजन से मिलने देवेंद्र कुमार द्वितीय के भगीरथ प्रयास। न्याय भावना और आईजीएल के बिजनेस हेड एस के शुक्ला के अनुरोध पर आज न्याय चला जनजन से मिलने की गोष्ठी का आयोजन दीनदयाल राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्या डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी के सहयोग से संपन्न हुआ। विधिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन जनपद गोरखपुर में तकरीबन 200 से अधिक आयोजित किए जा चुके और आज इसी कार्य में आईजीएल के व्यापार प्रमुख और उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत शुक्ल के अनुरोध और प्रयास से न्याय चला जनजन के द्वार थीम पर आयोजित का ये गोष्ठी पूर्णतः महिला अपराध, उनके हक और घरेलू हिंसा के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया था, क्योंकि एस के शुक्ल द्वारा एक ओर महिला को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा और दूसरी ओर उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि क्षेत्रों में बहुत तेजी से कार्य कराया जा रहा। महिला अपराधों को रोकने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में पहल कर उनके अधिकार दिलाने का कार्य भी आज से शुरू कर दिया, क्योंकि एस के शुक्ल का मानना है एक स्वस्थ समाज, आदर्श समाज की स्थापना तभी संभव है जब महिलाएं आत्मनिर्भर, उनके अधिकार उन्हें मिलेंगे, तभी एक शिक्षित सभ्य समाज बनेगा। आईजीएल के बिजनेस हेड ने प्रदेश की सत्ता दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिलने पर हर्ष जाहिर किया, जनता के प्रति आदर भाव व्यक्त किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायालय के सिविल जज श्री देवेंद्र कुमार और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर जहाँ महिला अधिनियम और तमाम महिलाओं के अधिकार और जिला विधिक सेवा के कार्यों पर प्रकाश डालकर सभी को न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय के न्याय की मंशा को समझाया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण के साथ अतिथि द्वय ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी ने किया। समारोह की प्रस्तावना डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने बड़े सारगर्भित रूप से प्रस्तुत कर सबको केंद्रित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी को शिक्षा जगत का कोहिनूर बताया। मंच संचालन डॉक्टर पवन कुमार जी ने सफलतापूर्वक किया। सिविल जज द्वारा कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। जबकि वहाँ पे आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते थे, अपनी मर्जी से चल सकते थे, वहाँ की मर्जी नहीं होती। वहाँ का जिसका टाइम है उसके हिसाब से करना है, थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। एक अब आप महिलाओं के कहा, मैडम ने एक बात और की, हम लोगों को जेल जाने पे एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक मंजर होता है कि महिला बैरक में सबसे ज्यादा आजीवन कारावास की वो महिलाएं होती, वो दहेज हत्या में बंद होती। अब सही है गलत है इस पर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, उस पर कोई हम आपसे वो भी नहीं करेंगे, लेकिन मामला ये है कि जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि दहेज की डिमांड, दहेज की बातें नहीं की जानी चाहिए। एक लड़की भी हम भी दें, उसके बाद हम दहेज भी दें, तो इस तरह की बातों को आप लोगों को समाज में कम से कम आप लोगों को यह संकल्प आज लेना चाहिए कि देने का तो हम आपसे नहीं कह सकते कि आपको देना नहीं पड़ेगा या क्या होगा, वो तो आपके घर वाले, लेकिन कम से कम हम लेंगे नहीं आगे चल के 20 साल के बाद फ्यूचर में, कम से कम ये संकल्प आप ले सकते हैं ना, यही संकल्प ले लीजिए। अब मिशन शक्ति सर का आदेश था कि मिशन शक्ति के ऊपर कुछ बात की जाए। मिशन शक्ति में बहुत सी बातें थी, आपकी मैडम ने आपको बता दी, हम सिर्फ एक बात करते हैं कोर्ट के मैटर पे कि जो बच्चियां खासतौर से 18 साल से कम की होती हैं उनके मामले विशेष न्यायालय में चलाए जाते हैं, वो पॉक्सो कोर्ट कहलाती है, उन न्यायालय में 18 साल से कम के बच्चों के मामला जाते हैं। उन स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक का मतलब ये क्या मतलब समझते हैं आप लोग, कोई बच्चों उसके बताए फास्ट ट्रैक नहीं, फास्ट ट्रैक का मतलब यह होता है कि डे टू डे हियरिंग, मतलब लगातार ये नहीं कि आज हुआ। खबर भारतवर्ष के लिए गोरखपुर सहजनवा से सुनील पाठक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।